नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके गुड़हल के पौधे के फूल किस कारण नहीं आ रहे हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं और इन कारणों के उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आपके गुड़हल के पौधे में फूल आने लग जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, पहला कारण हो सकता है धूप ना मिलना। गुड़हल के पौधे को कम से कम 5-6 घंटे आराम से धूप मिलनी चाहिए। अगर आपका पौधा छाया वाली जगह पे हो, अगर साइड में हो जिससे ज्यादा धूप नहीं मिलती हो, तो आपको आपके गुड़हल के पौधे को 5-6 घंटे अच्छी धूप मिल सके ऐसी जगह पर आपको रखना है। 5-6 घंटे गुड़हल के पौधे के लिए धूप बहुत जरूरी है, इसका हमें खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। इसमें आपको मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है। अगर आप पहले आपको मिट्टी की गुड़ाई करने से पहले आप मिट्टी के अंदर पानी डाल के देखिए, अगर पानी मिट्टी अब्सॉर्ब कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मिट्टी पानी अब्सॉर्ब नहीं कर रही है तो आपको उस पौधे की मिट्टी को पूरा चेंज करना है, क्योंकि मिट्टी के कारण भी उस गुड़हल के पौधे को अच्छे विटामिन और अच्छी मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल रही हो, इस कारण भी आपके गुड़हल के पौधे के फूल नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए आपको आपके गुड़हल के पौधे की मिट्टी को चेंज कर लेना है। अगर मिट्टी पानी को अब्सॉर्ब कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर अब्सॉर्ब नहीं कर रही है तो आपको मिट्टी चेंज करना है। मिट्टी चेंज करने के बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट देसी खाद का भी आप प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों, तीसरा कारण हो सकता है पानी। गुड़हल के पौधे को ना तो ज्यादा पानी की आवश्यकता है और ना कम पानी की, इसलिए इसको बिल्कुल मध्यम मात्रा में आप पानी दें, ना कम दें ना ज्यादा दें, उसके पौधे की आवश्यकता के अनुसार दे। अगर आपका पॉट साइज बड़ा है तो भी आपको ध्यान रखना है, उसको ज्यादा पानी देना है। अगर पॉट साइज छोटा है तो उस हिसाब से पानी दे और पॉट के अंदर पानी ना भरा रहे, ये तीसरा कारण हो सकता है। इसके साथ ही गुड़हल के पौधे में मिली बग्स ज्यादा लग जाते हैं, वो सफेद सफेद वाले कीड़े, सफेद सफेद कीड़े वाले कीड़े लग रहे हो तो आप प्रूनिंग भी कर सकते हो, और कीड़े को हटाने के लिए आप नीम के तेल का उपयोग भी कर सकते हो और अपने हाथ से भी मिली बग्स को हटा सकते हो। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप आसानी से अपने हाथ से भी मिली बग्स को, छोटे छोटे कीड़ों को हटा सकते हो हाथ से भी। चौथे कारण की बात करते हैं, रूट बाउंड होना। रूट बाउंड नहीं होना चाहिए। अगर आपका पौधा गमले में है तो आप गमले को नीचे से चेक कीजिए, अगर उसमें जड़ें निकली हो, रूट बाउंड हो रहे हो, तो आपको उसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें, या बड़े पॉट में आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो तो मिट्टी में आप उसे आसानी से लगा सकते हो नीचे ज़मीन पर, और इससे भी आपके गुड़हल में फूल देखने को मिल जाएंगे आपको, ये भी कारण हो सकता है। अभी मैंने आपको चार कारण बताए, इन चार ही कारणों पर अगर आप ध्यान दे सकते हो, ध्यान देने के बाद भी आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हो, तो आप चौथा कारण ये कर सकते हो, जिसके अंदर आपको केले के छिलके का, प्याज के छिलके का वर्मी कंपोस्ट बनाना है, जिसमें आपको केले के छिलके को 2 दिन के लिए पानी के अंदर गला के रखना है, प्याज के छिलके को भी गला के रखना है, और महीने में 1-2 बार आप कर सक उसको उस जूस को पिला सकते हो अपने पौधों को, जिससे कि आपके गुड़हल के पौधे में जल्दी से फूल आने लग जाएंगे, जिससे आपको 15-20 दिन के अंदर असर देखने को मिल जाएगा, नए नए फूलों के साथ रूट आपको देखने को मिल जाएंगे। प्याज के छिलके और केले के छिलके का अलग अलग फर्टिलाइजर बनाना है आपको, दोनों का साथ में नहीं बनाना है, और उस फर्टिलाइजर के अंदर आपको थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर उसको अपने पौधे में आप दीजिए, जिससे आपके पौधे में जल्दी से फूल आने लग जाएंगे। दोस्तों, दी गई जानकारी के अनुसार आपके गुड़हल के पौधे में फूल आने लग जाएंगे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो।